I have great pleasure in welcoming His Excellency Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India. I invite him to address the General Assembly. Namaskar, Sathiyo. Good morning, friends. His Excellency Abdullah Shahid Ji. His Excellency Mr. Abdullah Shahid. First of all, I would like to warmly congratulate you on assuming the office of President of the UNGA. Your becoming President is a matter of pride for all developing countries and in particular for small island developing states. Mr. President, गत डेढ़ वर्ष से फॉर द लास्ट वन एंड अ हाफ ईयर्स पूरा विश्व द वर्ल्ड 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का सामना सीन इन 100 ईयर्स ऐसी भयंकर महामारी में आई पे ट्रिब्यूट जीवन गंवाने वाले हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स सभी लोगों इन द डेडली कोरोना पेंडेमिक मैं श्रद्धांजलि देता हूं और एंड परिवारों के साथ my condolences to their families. अध्यक्ष महोदय, Mr. President, मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, I represent a country जिसे that mother of democracy का गौरव to be known as the mother of democracy. लोकतंत्र की हमारी हजारों वर्षों की महान परंपरा tradition of democracy that goes back thousands of years. 15 अगस्त को on 15th of August this year अपनी आजादी के इंडिया एंटर्ड 75वें साल में प्रवेश ईयर ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस हमारी विविधता आवर डाइवर्सिटी हमारे सशक्त लोकतंत्र की पहचान द आइडेंटिटी ऑफ आवर स्ट्रांग डेमोक्रेसी ऐसा देश इट इज अ कंट्री जिसमें दैट हैज दर्जनों भाषाएं ऑफ लैंग्वेजेस सैकड़ों बोलियां हंड्रेड्स ऑफ डायलैक्ट्स अलग अलग रहन सहन खान पान क्विजींस ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का बेहतरीन उदाहरण वाइब्रेंट डेमोक्रेसी ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है द स्ट्रेंथ ऑफ आर डेमोक्रेसी छोटा बच्चा इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द फैक्ट दैट अ लिटिल बॉय रेलवे स्टेशन एट वन टाइम यूज्ड टू हेल्प अपने फादर की मदद एट हिज टी स्टॉल एट द रेलवे स्टेशन इज टुडे चौथी बार एड्रेसिंग द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फॉर द फोर्थ टाइम को एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सबसे लंबे समय तक आई विल सून गुजरात का स्पेंट 20 ईयर्स serving my countrymen as head of government, first as the longest serving chief minister of Gujarat and then as prime minister for the last 7 years. की सेवा करते हुए 20 साल हो रहे हैं और एंड मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं टू यू फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस यस डेमोक्रेसी कैन डिलीवर Yes. Yes. Democracy has delivered. अध्यक्ष महोदय, Mr. President, एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता the birth anniversary पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जन्म जयंती the proponent of एकात्म मानव दर्शन एकात्म मानव दर्शन इंटीग्रल ह्यूमनिज्म अर्थात or the development journey undertaken together, the expansion from the self to the universe. Expansion of the self, moving from the individual to society, the nation, and to entire humanity. और ये चिंतन and this philosophy अंत्योदय को समर्पित is dedicated to Antyodaya. अंत्योदय को आज की परिभाषा में मॉडर्न डे डेफिनेशन नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड कहा जाता है इज वेयर नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड के साथ इट इज विद दिस प्रिंसिपल इन माइंड दैट इंडिया टुडे इज मूविंग फॉरवर्ड ऑन द पाथ डेवलपमेंट की राह पर आगे बढ़ रहा है इक्विटेबल डेवलपमेंट
विकास our priority सर्वसमावेशी हो, development should be all inclusive सर्वस्पर्शी हो, all pervasive सर्वव्यापी हो, universal सर्वपोषक हो, one that nurtures all यही हमारी प्राथमिकता है। बीते सात वर्षों में during the last seven years भारत में India has 43 करोड़ से ज्यादा लोगों को 430 मिलियन पीपल बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया है अनबैंक्ड इनटू द बैंकिंग सिस्टम इससे वंचित थे आज टुडे 36 करोड़ से अधिक ऐसे लोगों को भी बीमा सुरक्षा कवच मिला है could not even imagine इस बारे में सोच भी नहीं था Now have insurance coverage as security by giving over 500 million people the facility of free treatment in hospitals. India has given them access to quality health services by building 30 million comfort homes. यानी इंडिया हैज मेड होमलेस परिवारों को होमलेस फैमिलीज होम ओनर्स बनाया होम ओनर्स अध्यक्ष महोदय मिस्टर प्रेसिडेंट प्रदूषित पानी पोल्यूटेड वाटर भारत ही नहीं इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम विश्व नॉट जस्ट फॉर इंडिया खासकर बट फॉर द एंटायर वर्ल्ड एंड इन पर्टिकुलर फॉर पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज समस्या है भारत में इस चुनौती से निपटने के लिए इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस चैलेंज 17 करोड़ से अधिक घरों वी आर कैरिंग आउट अ वेरी बिग कैंपेन टू इंश्योर दैट पाइप पहुंचाने का बहुत बड़ा अभियान चला रहा है ओवर 170 मिलियन होम्स विश्व की बड़ी बड़ी संस्थाओं ने रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड ये माना है हैव सेड कि किसी भी देश के विकास के लिए वहां के नागरिकों के पास जमीन और घर के प्रॉपर्टी राइट्स यानी ओनरशिप का रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है दुनिया के बड़े बड़े देशों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीनों और घरों के प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है आज हम भारत के 6 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन से मैपिंग कराकर करोड़ों लोगों को उनके घर और जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड देने में जुटे हैं ये डिजिटल रिकॉर्ड प्रॉपर्टी पर विवाद कम करने के साथ ही एक्सेस टू क्रेडिट बैंक लोन तक लोगों की पहुंच बढ़ा रहा है अध्यक्ष महोदय आज विश्व का हर छठा व्यक्ति भारतीय है जब भारतीयों की प्रगति होती है तो विश्व के विकास को भी गति मिलती है व्हेन इंडिया ग्रोज द वर्ल्ड ग्रोज व्हेन इंडिया रिफॉर्म्स The world transforms. भारत में हो रहे साइंस और टेक्नोलॉजी आधारित इनोवेशंस विश्व की बहुत मदद कर सकते हैं हमारे टेक सॉल्यूशंस का स्केल और उनकी कम लागत दोनों अतुलनीय है हमारे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई आज भारत में हर महीने 350 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं भारत का वैक्सीन डिलीवरी प्लेटफॉर्म कोविन एक ही दिन में करोड़ों वैक्सीन डोज लगाने के लिए डिजिटल सपोर्ट दे रहा है अध्यक्ष महोदय सेवा परमो धर्म को जीने वाला भारत सीमित संसाधनों के बावजूद भी वैक्सीनेशन डेवलपमेंट
और मैन्युफैक्चरिंग में जी जान से जुटा है। मैं यूएनजीए को ये जानकारी देना चाहता हूं कि भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर ली है, जिसे 12 साल की आयु से ज्यादा के सभी लोगों को लगाया जा सकता है। एक और एमआरएनए वैक्सीन अपने डेवलपमेंट के आखिरी चरण में है। भारत के वैज्ञानिक कोरोना की एक नेजल वैक्सीन के निर्माण में भी जुटे हैं। मानवता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए भारत ने एक बार फिर दुनिया के जरूरतमंदों को वैक्सीन देनी शुरू कर दी है। मैं आज दुनिया भर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को भी आमंत्रित करता हूं, कम मेक वैक्सीन इन इंडिया। अध्यक्ष महोदय, आज हम सब जानते हैं कि मानव जीवन में टेक्नोलॉजी का कितना महत्व है, लेकिन बदलते हुए विश्व में टेक्नोलॉजी विथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। भारतीय मूल के डॉक्टर्स, इनोवेटर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स किसी भी देश में रहें, हमारे लोकतांत्रिक मूल्य उन्हें मानवता की सेवा में जुटे रहने की प्रेरणा देते रहते हैं। और ये हमने इस कोरोना काल में भी देखा है। अध्यक्ष महोदय, कोरोना महामारी ने विश्व को यह भी सबक दिया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को अब और अधिक डाइवर्सिफाई किया जाए। इसके लिए ग्लोबल वैल्यू चेन्स का विस्तार आवश्यक है। हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान इसी भावना से प्रेरित है। ग्लोबल इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन के लिए भारत विश्व का एक लोकतांत्रिक और भरोसेमंद पार्टनर बन रहा है। और इस अभियान में भारत ने इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों में बेहतर संतुलन स्थापित किया है। बड़े और विकसित देशों की तुलना में क्लाइमेट एक्शन को लेकर भारत के प्रयासों को देखकर आप सभी को निश्चित ही गर्व होगा। आज भारत बहुत तेजी के साथ 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। हम भारत को दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने के अभियान में भी जुट गए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को जवाब देना है कि जब फैसले लेने का समय था, तब जिन पर विश्व को दिशा देने का दायित्व था, वो क्या कर रहे थे? आज विश्व के सामने रिग्रेसिव थिंकिंग और एक्सट्रीमिज्म का खतरा बढ़ता जा रहा है। इन परिस्थितियों में पूरे विश्व को साइंस बेस्ड, रेशनल
और प्रोग्रेसिव थिंकिंग को विकास का आधार बनाना ही होगा। साइंस बेस्ड अप्रोच को मजबूत करने के लिए भारत एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दे रहा है। हमारे यहां स्कूलों में हजारों अटल टिंकरिंग लैब खोली गई है, इंक्यूबेटर्स बने हैं और एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है। अपनी आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, भारत 75 ऐसे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने वाला है जो भारतीय विद्यार्थी स्कूल कॉलेजों में बना रहे हैं। अध्यक्ष जी, दूसरी ओर रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है, इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को सशक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक सुर में आवाज उठानी ही होगी। सुरक्षा परिषद में भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान बनी विस्तृत सहमति विश्व को मैरिटाइम सिक्योरिटी के विषय में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। अध्यक्ष महोदय, भारत के महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, कालातिक्रमात् कालातिक्रमात् काल एव फलम पिबति। जब सही समय पर सही कार्य नहीं किया जाता तो समय ही उस कार्य की सफलता को समाप्त कर देता है। संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा, रिलायबिलिटी को बढ़ाना होगा। यूएन पर आज कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, इन सवाल को हमने क्लाइमेट क्राइसिस में देखा है, कोविड के दौरान देखा है, दुनिया के कई हिस्सों में चल रही प्रॉक्सी वॉर, आतंकवाद और अभी
अफगानिस्तान के संकट ने इन सवालों को और गहरा कर दिया है। कोविड के ओरिजिन के संदर्भ में और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को लेकर वैश्विक गवर्नेंस से जुड़ी संस्थाओं ने दशकों के परिश्रम से बनी अपनी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है। यह आवश्यक है कि हम यूएन को ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल लॉज और ग्लोबल वैल्यूज के संरक्षण के लिए निरंतर सुदृढ़ करें। मैं नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। शुभो कर्मपोथे धोरो निर्भयो गान शोभ दुर्बल सौन्योष होक अभोषान, अर्थात अपने शुभ कर्म पथ पर निर्भीक होकर आगे बढ़ो, सभी दुर्बलताएं और शंकाएं समाप्त हो। ये संदेश आज के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के लिए जितना प्रासंगिक है, उतना ही हर जिम्मेदार देश के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। मुझे विश्वास है हम सबका प्रयास विश्व में शांति और सौहार्द बढ़ाएगा, विश्व को स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध बनाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।